इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है, और इसे हम बोलते हैं क्या, सेरी, ठीक है ना। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा। ख्याल रखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, श्रीवास्तव सर का थ्री स्टेप आप याद रखेंगे। क्या क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, या आगे पीछे देखकर आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले काउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। जब 20 है तो 20 को आप 5 और 4 में बांट सकते हैं, 5 और 4 में बांट सकते हैं। तो अगर हम इसको 5 में बांटे, 2, 4, 1, 5 होगा, फिर 2, 4, 1, 5 होगा, 2 और 4, 5 होगा, 2, 4, 1, 5 होगा। सीरीज के क्वेश्चन को आगे पीछे देखकर आप आंसर दे सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चन को आगे पीछे देखकर आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, स्टार्ट ए से एंडिंग सी पे, स्टार्ट ए से एंडिंग सी पे करेगा, स्टार्ट ए से एंडिंग सी पे, एंडिंग सी पे, यानी 1, 2, 3 चौथे गैप पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, नहीं है, एलिमिनेट हुआ। चौथे गैप पे सी है, चौथे गैप पे सी नहीं, एलिमिनेट हुआ, चौथे गैप पे सी है। अब इसके बाद देखेंगे, या बी और बी दिया तो इसे मिलाने की जरूरत नहीं, ए और ए दिया तो मिलाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ से लास्ट वाले को देखे तो हम इसे देख सकते हैं। पूछा बी के पहले क्या होगा, पूछा बी के पहले क्या होगा, बी के पहले क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पे बी होगा तो यहाँ भी क्या होगा मेरे भाई, बी होगा। तो बी और बी कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा।